जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी सुनाऊंगी। तो आइए करते हैं कहानी को प्रारंभ। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 125 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे उस अंगूठी को दबा लिया और तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान को भोग लगाकर जीवने बैठ गया। इतने में नारद जी आए, तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है? तो तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तेरा घुटना उठा तो उसके नीचे 125 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटिया नहीं बनाया तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा, साड़ी देके ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा, दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे होगा। तब से लपसी और तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहा जाता है कि लपसी को फल लपसी न हो जो, तपसी का फल तपसी न हो जो, माँ की कहानी कथा को फल महाने हो जो। तो दोस्तों ये थी लपसी और तपसी की कहानी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी आगे की सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।